मॉर्निंग गाइस, कल रात को हम लोग फिर से लेट पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे हम लोग होटल में पहुंचे हैं अपने। बहुत लेट हो गया था ट्रैफिक जैम में, तो कल सिर्फ रात को हमने सफर किया है, वो भी इतने ट्रैफिक जैम में। आज हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग। चलो आज गुलमर्ग की जर्नी स्टार्ट करते हैं। होप आज कोई ट्रैफिक जैम ना मिले, ऐसे लगता नहीं है। बाकी देखो यहाँ पे ये श्रीनगर का व्यू है, धूप बहुत तेज है यहाँ पे। MIT में 30 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, गर्मी बहुत है। चलो आगे चलते हैं गुलमर्ग, देखते हैं वहाँ पे शायद वेदर ठीक हो। यहाँ श्रीनगर में रोड पे तो बहुत गर्मी है भाई, 30 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। हम लोग तो वुलन्स लेकर आए थे, सोचा था कि हाँ ठंड होगी, बट यहाँ पे भी बहुत गर्मी है। सामने का व्यू देखो यार, कितना जबरदस्त आ रहा है। अब ग्रीनरी देखो, बिल्कुल बड़े बड़े देवदार के ट्रीज हैं, व्यू बड़ा सही आ रहा है। बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। हाँ, ये ऊपर जो ये स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये ग्लेशियर्स होंगे। अरे पूरा, हाँ ऑब्वियसली फ्रेश स्नो तो होगी नहीं, फ्रेश तो नहीं है, बट स्नो देखो टेढ़े टेढ़े जो स्लोप बने हुए है ना, वहाँ पे टिकी हुई है ना एक साइड पे, कितनी सही लग रही है। ये गुलमर्ग जाते हुए व्यू देखो मेरे पीछे, कितना मस्त है। ये देखो इधर कितना अच्छा लग रहा है, ये नीचे सारे फार्म्स हैं और ये नीचे छोटे छोटे पेड़ हैं, पता नहीं एप्पल्स के हैं ये पेड़ या किस चीज के हैं, बादाम या अखरोट के पेड़ होंगे। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये छोटे छोटे पेड़ हैं। ये हाईवे है गुलमर्ग के लिए, हम लोग इधर पीछे से आए हैं, ये इधर जाना है। इधर हमने गाड़ी पार्क कर दी है, गाड़ी देखो कितनी गंदी हुई हुई है, एकदम मिट्टी मिट्टी हुई हुई है, शीशे साफ नहीं किए मैंने बिल्कुल भी। अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ठीक है थोड़ा, श्रीनगर के कंपैरिजन में। इधर देखो रोनाल्डो फैन को, ये रोनाल्डो फैन है हमारे, इनका अपना ही चल रहा है। तो अभी हम गुलमर्ग के लिए यहाँ एंट्री करवाते हैं, यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, ये 75 रुपीज़ की टिकट कटती है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आपकी एंट्री होगी 75 रुपीज़ की, प्लस आपके साथ यहाँ पे एक बंदा जाएगा जिसका 300 रुपीज़ चार्ज रहेगा। आगे LOC की एंट्री करनी है, आपने LOC में एंटर कर जाएंगे तो वो लोग आपसे चार्ज करेंगे 300-350, आपको बोलेंगे कि आपको वो लेना है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती करनी है, आप सिर्फ 75 रुपीज़ दोगे, जो आपकी वो एंट्री फीस है, एक तरह से ग्रीन टैक्स है वो लगेगा, बाकी कुछ नहीं देने की ज़रूरत। वो आपको फोर्स करेंगे, बोलेंगे कि आप ये लो, बट आपने लेना नहीं है। बाकी अगर जो लोग जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से उसका कोई यूज़ नहीं है। आप अपने वहाँ पे भी देख सकते हैं अगर करना चाहो, 75 ज़रूर लगेगा उसकी, वो टिकट बकायदा आपको काट के देंगे। बाकी आगे कुछ दिखता है तो चलो आपको बताते हैं। गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में हमें बहुत अच्छी लोकेशन मिली है, दिखाते हैं आपको। ये हमारी गाड़ी पार्क है और ये हम लोग यहाँ पे ऊपर, इधर से नीचे से हम ऊपर आए हैं और यहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये देखो मिहान को देखो, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है मिहान, यहाँ ग्रीनरी अच्छी लग रही है। बिल्कुल जंगल के बीच में है हम लोग, ट्रीज ही ट्रीज हैं यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है, अच्छी है लोकेशन, यहाँ पे ग्रीनरी है। अभी जो मैं दिखा रहा था ना दूर से, ऊपर ग्रीनरी दिख रही थी, ट्रीज थी, वो है ये रोड जा रहा है, अच्छी लोकेशन है, बढ़िया लग रहा है। चलो थोड़ा सा आगे और दिखाते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। चलो ये देखो भाई, जंगल है इधर, स्पाइडर वेब्स भी हैं, स्पाइडर वेब भी होंगे। हाँ बढ़िया लोकेशन है, मज़ा आ रहा है। ये रोड ना कुछ कुछ खजियार की तरह, हाँ वही यार, जैसे खजियार में जा रहे थे ना वैसे ही सेम है, और फिर इन्होंने फर्दर
गुलमर्ग में वो गंडोला राइड जो रखे हैं रोप वे, वो फर्दर हाइट के लिए बना रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ एक बड़ा सा ग्राउंड है। जैसे खजियार है वैसे ही है गुलमर्ग, रोड वैसे ही है, ग्रीनरी वैसे ही है, यहाँ पे अच्छा रोड है, सीनिक ब्यूटी है। पर्ची कटा हुआ है, वो पर्ची इधर दे दो सर, एंट्री करना है, ऊपर बर्फ बर्फ एक घूमना है सर। नहीं वो नहीं, हमें जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ थोड़ी देर के लिए है, फिर आ जाएंगे। देखा ये लोग ऐसे करते हैं, ये हमसे पहले ही पूछ रहे थे कि आपने नीचे टिकट कटवाई है 75 रुपीज़ की, हमने वो पहले ही कटवाई हुई थी, बट ये आपको बोलेंगे कि हाँ ये टिकट अपनी यहाँ पे डिपॉजिट करवा दो, एक और टिकट कटेगा जिसमें आपका एक बंदा इनका जो है वो साथ में ऊपर जाएगा, वो स्नो एक्टिविटी करवाएगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्नो अभी ये जून का मंथ है तो यहाँ स्नो बिल्कुल टॉप पे ही होगी, वो तो गंडोला राइड पे आप जाके वैसे ही देख सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। करना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, हमने तो नहीं किया, ये ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको बोलेंगे डिपॉजिट करवा दो टिकट, आपने करवा दी 300 रुपये, 350 रुपये दे दिए, तो बस इन्होंने वो आपका चेपी लगा दी एक, ठीक है। से दिख रहा था जो माउंटेन वो ये सामने है, ये आगे गंडोला राइड के लिए फेस वन के लिए टिकट काउंटर है, अभी जा रहे हैं वहाँ, देखते हैं टिकट्स मिलती हैं या नहीं। ऑनलाइन तो स्लॉट बुक दिखा रहा था, हमने ऑनलाइन चेक किया था तो सभी स्लॉट्स बुक दिखा रहा था, अभी चेक करते हैं ये लोग ऑफलाइन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अपडेट देते हैं आपको आगे। तो भाई अभी हम लोग गंडोला राइड के लिए गए थे, टिकट्स तो अवेलेबल थी नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं चिल्ड्रन पार्क, यहीं पर एक चिल्ड्रन पार्क है उधर जा रहे हैं, टिकट्स जो है गंडोला राइड की वो ऑनलाइन ही बुकिंग करनी पड़ती है, वो हमने की नहीं थी, पता था बट हमने की नहीं, हमने सोचा वैसे ही चेक कर लेते हैं, अगर ऑफलाइन मिलती होगी तो ले लेंगे, बट मिली नहीं ऑफलाइन। अभी चिल्ड्रन पार्क जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या है, वो दिखाते हैं आपको। ये पूरा ग्राउंड है गुलमर्ग का, और यहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स यहाँ पे खिले हुए हैं, ये देखो डेजी फ्लावर्स हैं, ये छोटे छोटे पूरे ग्राउंड में फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, और ग्रीनरी देखो कितनी है चारों तरफ। चेकआउट करो व्यूज कितने बढ़िया लग रहे हैं, माउंटेन्स, ग्रीनरी, चलो भाई हॉर्स राइड करेंगे, मिहान बैठ जाएगा, बैठ जाएगा, बैठो इसमें पैर रखना है, अच्छे से फिक्स हो जा बेटा, पैर आगे पकड़ो, इसको होल्ड करके रखो बस, चलो ठीक है, चलो चलो भाई मेरी बारी, भाई हॉर्स में तो बड़ा मुश्किल है बैठना भाई, बहुत डर लगता है, पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके ऊपर बैठे भाई हॉर्स के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है, वो भी कैमरे के साथ सामान के साथ, भब्बे चले घोड़े पे। अब बताओ भैया आप YouTube पे आओगे, ये क्या है, ये बाबी रूम है, बाबी रूम है, अच्छा ये बाबी रूम है, क्या इसकी हिस्ट्री क्या है इसकी,
दूसरी दिखाई नहीं। ये देखो भाई, ये पानी आ रहा ऊपर ग्लेशियर से मेल्ट होकर। बढ़िया स्पॉट है, बैठो रिलैक्स करने के लिए। मस्त नज़ारे हैं, वैसे व्यू अच्छे हैं। ये गोल्फ क्लब है, गोल्फ खेल रहे हैं उधर। ऑफ रोडिंग कैसी लग रही है? ऑफ रोडिंग हो रही है इधर, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई। गाड़ी से तो बहुत किया, घोड़े से ऑफ रोडिंग हो रही है। नज़ारा पंडोला राइड तो मिली नहीं हमें, बट चलो गुलमर्ग हमने सर्व कर लिया। कैसा लगा मियान? बहुत मजा आया। मियान कैसे हॉर्स राइडिंग में मियान सीख गया? हॉर्स राइड करना है ना? यस। कैसे करने हैं? अच्छा ठीक है, चलो अभी डल लेक दिखाते हैं आपको। डल लेक चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे शिकारा राइड करते हैं।